हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों अगर आप भी पेटीएम यूज़ करते हो, दोस्तों अगर आप भी पेटीएम का इस्तेमाल करते हो तो दोस्तों आज के वीडियो के अंदर मैं आपको दो तरीके बताने वाला हूँ जिससे आप अपने पेटीएम का यूपीआई आईडी पता कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी आपको ऐसी ज़रूरत पड़ जाती होगी कि आपको आपका पेटीएम का यूपीआई नहीं मिलता और आप चेक करने लग जाते हैं कि आपका पेटीएम का यूपीआई कहाँ पर है, पेटीएम एप्लीकेशन पर कैसे मिलेगा। तो आज के वीडियो में आपको दो तरीके बताऊँगा जिस दो तरीकों से आप पता कर सकते हैं कि आपका पेटीएम एप्लीकेशन का यूपीआई आईडी कौन सा है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अपना पेटीएम का यूपीआई आईडी जानने के लिए सबसे पहले आपको पेटीएम एप्लीकेशन पे ओपन करना है, इस पर लॉगिन करना है। लॉगिन करके ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन दिखा देंगे, पे का, सेंड मनी का, रिचार्ज एंड बैंक बिल्स का, बैलेंस इंक्वायरी, पेटीएम पेमेंट बैंक वॉलेट, ऑल सर्विसेज। तो यहाँ पे कुछ ऐसे आपको ऑप्शन दिखाई देंगे। दोस्तों ऊपर ही ऊपर आपको एक सर्च वाला बटन दिखाई देगा, इस वाले सर्च वाले बटन पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको यहाँ पे डालना है यूपीआई, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे आपको यूपीआई डालना है। यूपीआई डालेंगे तो यहाँ पे आपको दो सर्चेस दिखाई देंगे, पहला है भीम यूपीआई का, फिर दूसरा दिखाई देगा सेंड मनी का। तो यहाँ पे दोस्तों आपको भीम यूपीआई वाला जो एक ऑप्शन है यहाँ पे आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो भीम यूपीआई वाले ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ आएगा सेंड मनी टू एनीवन डायरेक्टली इन योर बैंक अकाउंट, डायरेक्टली इन देयर बैंक अकाउंट और वॉलेट। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे जो आपका पेइंग है, जिन लोगों को आपने पे किया है वो यहाँ पे जो है ऑप्शन आ जाता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको सिंपली नीचे करना है। नीचे करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे आपको दिखाई देगा अकाउंट बैलेंस एंड पेमेंट हिस्ट्री, और यहाँ पे दोस्तों आपको यहाँ पे दिखाई देगा योर यूपीआई आईडी इज दिस। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे जो है एक यूपीआई आईडी का एक सेक्शन यहाँ पे दिख जाएगा, और यहाँ पे जो है ये आपकी यूपीआई आईडी होती है पेटीएम की। इसको आप कॉपी कर सकते हैं, यहाँ से टेक्स्ट पे क्लिक करके आप इसको कॉपी भी कर सकते हैं। तो आप कहीं भी अगर आपको यूज़ करना है तो वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। दोस्तों ये तो है पहले तरीका जिससे आप अपने पेटीएम का यूपीआई आईडी चेक कर सकते हो। दूसरे तरीके लिए दोस्तों यहाँ पे दूसरा तरीका भी है जिसमें क्या करना है आपको, ऊपर आपका जो प्रोफाइल आइकन है इस पर सिंपली दोस्तों यहाँ पे क्लिक करना है। प्रोफाइल आइकन पे जब सिंपली क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे, डिफॉल्ट बैंक अकाउंट ऑर्डर एंड बुकिंग कैशबैक ऑफर सेटिंग्स। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। बैंक अकाउंट वाले ऑप्शन में जब आप क्लिक करेंगे दोस्तों ऊपर ही ऊपर यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देंगे आपको मनी ट्रांसफर सेटिंग्स का। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे मेरा जो नाम है वो आ चुका है मोहित सोनी का। इसके बाद यूपीआई आईडी यहाँ पे आ चुके हैं, यहाँ से भी आप इसको कॉपी कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे जो है यूपीआई आईडी यहाँ पे लिखी हुई आ जाती है। तो इन दो तरीकों से दोस्तों आप अपना पेटीएम पर यूपीआई आईडी आपका चेक कर सकते हो, ठीक है। दोस्तों कोई भी आपका समस्या है, क्वारी है, क्वेश्चन है तो नीचे आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा यार, थैंक यू सो मच फॉर इन एडवांस। और चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं आपसे अगले में, तब तक के लिए बोलते हैं।